गोहाना बड़ौदा रोड पर चोरों ने देर रात जितेंद्रा इलेक्ट्रॉनिक के नाम से दुकान का शटर तोड़कर दुकान में रखा हजारों रुपए का बिजली का सामान चोरी करके मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकानदार के बयान पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। दुकान के मालिक रणवीर ने बताया कि वो बड़ौदा रोड पर पिछले कई सालों से मोटर बांधने का काम करता आ रहा है। आज सुबह पड़ोसी दुकानदार का फोन आया कि उसकी दुकान का शटर टूटा हुआ है। सूचना पर मौके पर आकर देखा तो चोरों ने देर रात उसकी दुकान का शटर तोड़कर दुकान में रखा हजारों रुपए का बिजली का तार मोटर चोरी कर फरार हो गए। वही इस मामले में गोहाना सिटी थाना पुलिस ने चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर दुकानदार के बयान पर अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पलवल अपराध जांच शाखा पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पिकअप गाड़ी से 30 पेटी अवैध शराब को बरामद किया। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम रेलवे पुलिस ने दो चलती रेल से चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी मालगाड़ी को ही अपना निशाना बनाते थे। गुरुग्राम रेलवे पुलिस को शिकायत मिली थी कि दो लोग बड़ी मात्रा में चोरी का माल बेच रहे हैं। इसके बाद मौके पर रेड की गई और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जब इनसे पूछताछ की गई तो दोनों ने कई वारदातों को कबूल किया। गोहाना की नई अनाज मंडी के किसान विश्राम गृह में भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता रोहतक मंडल के अध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने की। इस दौरान सत्यवान नरवाल ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करवाने पर साथ ही किसानों को कर्ज माफ करवाने की मांग को लेकर पूरे देश का किसान 23 फरवरी 2018 को दिल्ली का घेराव करेगा। इन किसानों ने कहा कि अब की बार आंदोलन करो या मरो का होगा, न कि सरकार को जगाने का। जब तक वो पीछे नहीं हटेंगे, जब तक की सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती। सत्यवान नरवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने से पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात कही थी, लेकिन आज सरकार को सत्ता में आए 3 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन सरकार अब अपने वादे से मुकर रही है, जिसके चलते अब किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए देश का किसान 23 फरवरी 2018 को दिल्ली का घेराव करेगा। MBBS डॉक्टर हर लेबोरेटरी में रखने के सरकारी आदेश के विरोध में करनाल जिले के सभी लेबोरेटरी संचालक उतरे सड़कों पर। जिला सचिवालय पहुंचकर CTM इंशा कंबोज को सौंपा प्रदेश सरकार के नाम एक ज्ञापन। 16 तारीख को करनाल में इस आदेश के विरोध में होगा एक महासम्मेलन और रैली। हरियाणा के सभी जिलों और पंजाब के जिलों में भी पहुंचेंगे सभी लैब संचालक। सरकार द्वारा टेस्ट रिपोर्ट पर MBBS डॉक्टर के हस्ताक्षर की अनिवार्यता के विरोध में गोहाना में लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ शहर में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। गोहाना के SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रयोगशाला टेक्नीशियन द्वारा किए गए काउंसलिंग एक्ट को तुरंत लागू करने और प्रयोगशाला टेक्नीशियन को हस्ताक्षर करने की मांग की। साथ ही लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि सरकार ने 16 जनवरी तक इनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाली 16 जनवरी को प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन करनाल के कर्ण पार्क में इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे।